तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मैं हूँ एसके और आप लोग देख रहे हो एसएस ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग किसी भी सॉन्ग में से बीट्स कैसे फाइंड कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का यही कमेंट आ रहा था कि हम लोग बीटसिंग मॉन्टेज बनाते हैं तो उसमें हम लोग से क्लिप जो है सिंक हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन बीट्स फाइंड नहीं कर पाते, उतनी परफेक्ट बीट फाइंड नहीं कर पाते। लेकिन आज की वीडियो में आप लोग को बहुत ही अच्छे से सिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम लोग तीन टाइप के सॉन्ग्स के ऊपर बात करने वाले। सबसे पहले तो जिसमें हमको बीट्स मिल जाती है, और मतलब बीट्स मिल जाती है बहुत ही मतलब आराम आराम से आती है, और एकदम मतलब पास पास में भी नहीं रहती, थोड़ी थोड़ी दूर दूर में रहती है, और उसमें पता चलता है ये बीट है तो वो हम लोग कर सकते हैं, इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा जो सॉन्ग होगा वो उसका टाइप होगा कुछ ऐसा फास्ट सॉन्ग, उसमें कहीं कहीं पे आपको बीट पता चलेगी, कहीं पे पता ही नहीं चलेगी। उसको कैसे सिंक कराना है उसके भी आज बात करने वाले, और उसके साथ साथ एक और सॉन्ग जिसमें कोई बीट्स होती ही नहीं है फिर भी बीटसिंग मॉन्टाज बनते और बहुत ही अच्छे लगते, बीटसिंग मॉन्टाज उसके भी बहुत ही अच्छे लगते, बीटसिंग मॉन्टाज बनते और अच्छे भी लगते। तो आज वही सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। आई होप कि आपको आज के वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल वाले आइकन को जो है ऑल पर सेट कर देना। और सबसे पहले तो आप लोग को करना क्या है, आपको यूट्यूब पर जाना और सर्च कर लेना है कि यूट्यूब की वीडियो मतलब कोई भी आपको सॉन्ग लेना उसको सर्च कर लेना, फिर उसका लिंक कॉपी कर लेना और y2made.com एक वेबसाइट है उस पर जा सकते हो, या तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लेना कि MP3 सॉन्ग कैसे डाउनलोड कर सकते तो आ जाएगा। और उसके बाद आप लोग को काइन मास्टर चाहिए होगा, तो काइन मास्टर अगर मैं जो यूज़ करता हूँ आपको वो चाहिए तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, सबसे ऊपर कमेंट मिलेगा, उसमें से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग को मेरे लिंक ओपन करने नहीं आते तो हाउ टू ओपन माई लिंक्स वाली वीडियो भी उसके नीचे ही मिल जाएगी, तो वो भी देख लेना तो आप लोग मेरे लिंक भी ओपन कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग को आपका काइन मास्टर एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेना है, और उसके बाद आप लोग को क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है, फिर 16:9 पे क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इमेजेस पे क्लिक कर देना है। इमेजेस पे क्लिक करके आपको ब्लैक कलर की इमेज ले लेनी है, और ये जो यहाँ पर आपको ये दिखता है येलो कलर का, यहाँ पर इसको जैसे पकड़ के रखना है और फिर ऐसे ड्रैग करना है, और जब तक ड्रैग करना है जितना आपको चाहिए ऐसे ड्रैग करते जाना है। मेरे को एक मिनट तक का चाहिए, तो देखो ये ड्यूरेशन लिख रहा है उसके ऊपर, तो ड्यूरेशन अभी 47 सेकेंड्स का हुआ है और यहाँ पे एक मिनट का ड्यूरेशन जो है कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एक मिनट जितनी ही बनाने वाला हूँ। और इसके बाद आप लोग को सिंपली ऑडियो लेके आ जाना है, ऑडियो पे क्लिक कर देना है, सॉन्ग्स पे जाना है, और फिर मैंने यहाँ पे y2made वाले पे से बहुत सारे डाउनलोड करके रखे। अगर आप लोग को भी चाहिए तो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ये वाले सॉन्ग्स का लिंक, आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। और मेरी लिंक को कैसे ओपन करते उसके लिए तो आप लोग के लिए एक वीडियो बना के ही रखी है, तो सिंपली उसको देख सकते हो। और यहाँ पर मैं फटाफट से सॉन्ग इम्पोर्ट कर लेता हूँ, सिंपली सॉन्ग पर टच करना है पहले तो आपको। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग को सॉन्ग पे क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद प्लस दिखेगा उस पर क्लिक कर देना, आप सॉन्ग आपका इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिया है स्कैम 1992 का थीम सॉन्ग लिया है, आप लोग को ये साउंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। बीट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो सॉन्ग चल रहा है यहाँ पे आपको स्लो मोशन ऐड कर देना है, स्लो मोशन ऐड कर दोगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ये सॉन्ग क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसमें जो है बीट्स थोड़ी स्लो आती है, और इसमें मैं आप लोग को सिंपली सिखा सकता हूँ अच्छे से कैसे कर सकते हो। और इसके बाद सबसे पहले आप लोग को आ जाना है यहाँ पे से, सुनना स्टार्ट कर देना है, स्टार्टिंग से सॉन्ग को सुनना है आप लोग को, कम से कम 3 से 4 बार सॉन्ग को सुन लेना है। पहले तो यूट्यूब पे सुन के आ जाना, और इसके बाद काइन मास्टर में आना, तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पे बीट्स है, यहाँ पे स्लो मोशन डालना है, कहाँ पे क्या यूज़ करना है वो सब हो जाएगा। सबसे पहले आपको कोई भी क्लिप नहीं लानी, सबसे पहले सॉन्ग सुनना है, मैं जैसा जैसा बताता हूँ वैसे करना। और ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के बाद जाके ये 4 वीडियो ज़रूर से देखना, तो आप लोग को आ जाएगा आप लोग कैसे आपकी क्लिप्स को भी ऐड कर सकते हो, क्लिप ऐड करके क्लिप भी सिंक करा सकते हो। ये 4 वीडियो अगर आपने देखी होगी ना तो ही आपको आएगा क्लिप ऐड करना, फिर मुझे कमेंट में मत बोलना क्लिप ऐड करना क्यों नहीं सीखा, मैं तो बोल रहा हूँ भाई ये 4 वीडियो जाके देख लो। ये 4 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके सिंपली जाके देख सकते हो, कोई भी मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अगर आपको सीखने थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सीखने में, और मैं इतनी मेहनत करके सिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही देना, और ये 4 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग सॉन्ग के यहाँ से प्ले करते, तो देखो गाइस यहाँ पे एक बीट आती है, एक यहाँ पे आती है, देखो सुनना, हाँ फिर से सुनते हम लोग, तो यहाँ पे देखो 3 बीट्स आती है, एक यहाँ पे आती है और एक यहाँ पे आती है, एक यहाँ पे आती है। तो ये मेरे को कैसे पता चल रहा है, ये सबसे पहली बात, तो सबसे पहले आपको वीडियो को जूम कर लेना है,
और देखो आपका जो सॉन्ग है यहाँ से देखो ये जो ग्राफ है ये ऊपर की साइड जा रहा है, और सबसे ऊपर कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, देखो यहाँ पे जा रहा है। और आप लोगों आपका बुक मार्क कहाँ पर लगाना है, तो वो आपको यहाँ पर लगाना है, क्योंकि अगर एकदम से ये तेज़ हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, एकदम से तेज़ हो जाएगा वो सही नहीं लगता है। आपको यहाँ से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तेज़ होने वाला है, यहाँ तक, समझ रहे हो ना। धीरे धीरे देखना, 2x पे भगा के वीडियो को देखोगे नहीं समझ आएगा, मुझे पता है बहुत सारे लोग 2x पे ही देखते हैं इसलिए फिर आके कमेंट करते कुछ समझ नहीं है इसकी वीडियो मत देखो, ऐसा वैसा कमेंट करके जाते, पूरी वीडियो देखते नहीं। बहुत सारे लोग बनाना भी सीख गए भाई, बीट सिंह मोन्टाज इतने सारे वीडियो डाल दिए, और ये शायद बीट सिंह मोन्टाज पे लास्ट या लास्ट सेकेंड वीडियो ही होने वाला है। इसके आगे अगर आपको बीट सिंह मोन्टाज के ट्यूटोरियल चाहिए तभी मैं डालूंगा, और अलग वीडियो सीखेंगे हम लोग, कुछ और बनाएंगे। और देखो यहाँ पे बीट आ रही है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे 8.507, सिंपली इस पर क्लिक कर दो तो ये बैंगनी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे हम लोग इसको प्ले करेंगे तो ये जो लाल ये जो ऑरेंज टाइप दिखता है ये, तो ये बैंगनी हो जाएगा बीट आएगी तो देखा आप लोग ने यहाँ पर एक बीट आई थी, तो यहाँ पर आप लोग देखो ये, फिर आप लोगों ने देखा फिर एक बीट जो यहाँ कहीं आने वाली है, तो मैं देखता हूँ एक बार ये भी ऊपर जा रहा है ग्राफ और ये भी ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो दोनों में से कौन सा है। ये छोटे छोटे ग्राफ पे आपको ध्यान नहीं देना है, जो बहुत ही ऊपर जाते हैं उनको देखना, याद रखना ये जो छोटे ग्राफ है ये सिर्फ आपके छोटे छोटी आवाज़ें से जो बीट होती है वो ऐसे ऊपर जाती है, इतना याद रखना, बीट हमेशा ऊपर जाएगी और उसका ग्राफ आपको बड़ा हुआ ही दिखेगा, एकदम बड़ा ही दिखने वाला है, अदर के मुकाबले आपको बड़ा दिखेगा। और मैं सुनता हूँ फिर से और मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे नहीं है कहाँ पे है। अगर आप भूल जाए मतलब आपको समझ नहीं आता है कि इसमें बीट है या इसमें बीट है, तो देखो सबसे पहले तो आपको प्ले करना है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी बीट है और इसमें भी बीट है, तो मैं दोनों में कंफ्यूज हूँ कि किस में मैं बुक मार्क करूँ, दोनों में तो करूँगा नहीं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मुझे सुनाई तो एक ही बीट दे रही है लेकिन आ रही है दो, तो ये वाला जो बीट है इसको हम लोग छोड़ देते। अगर बीट हुआ, अगर इधर बीट हुआ तो यहाँ पे बीट आएगा, अगर इधर बीट हुआ तो इधर बीट नहीं सुनाई देगा, तो उसके आगे से सुनते, यहाँ से सुनते इसके पास से, यहाँ से सुना फिर यहाँ पे भी आके सुनते एक बार, तो यहाँ पे बीट आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो उसका जो साउंड है बहुत तेज़ हो जाता है, तो बीट यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट वाला, तो इसको मैं सिंपली ऐसे 9.080 पे क्लिक कर दूंगा सिंपली, तो ये मार्क हो जाएगा। और इसके बाद फिर से आपको वहाँ से कंटिन्यू करना है सुनना, तो एक बीट यहाँ पे आ रहा है, यहीं कहीं आ रहा है, इतने एरिया में ग्राफ देखना है कहाँ पे ऊपर जा रहा है, एक तो इधर जा रहा है और एक बहुत दूर है, तो सबसे पहले पास वाले को सुन के देखते, तो ये बीट मुझे लग रहा है यहाँ आ रहा है और कुछ लोग को लगेगा यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सुनना है, यहाँ पे सिर्फ साउंड का वो जो बेस आ रहा है वही आ रहा है, बीट यहाँ पे आ रही है। ओके तो यहाँ पे मैं 9.749 पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे मैंने तीन जो है ढूंढ लिए, और यहाँ पे भी हल्का सा कुछ तो एक्सप्लोजन टाइप होता है यहाँ के पास, तो यहाँ पे भी आप लोग एक साउंड ऐड कर सकते हो ग्रेनेड ब्लास्ट का, तो भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ग्रेनेड ब्लास्ट का जो साउंड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो अप हो जाता है, तो मैं ऑडियो पे जाऊँगा सबसे पहले, तो इस पर क्लिक कर दूँगा बुक मार्क पर 0.945, तो ये जो मार्क हो जाएगा, फिर इसके बाद सॉन्ग्स पे जाऊँगा और मैं यहाँ से सिंपली लेके आता हूँ सॉन्ग, तो यहाँ पे ग्रेनेड का मैं साउंड लेके आ चुका हूँ, ये थोड़ा सा लंबा साउंड है, तो इसमें एक्सप्लोजन देखो ये रहा एक्सप्लोजन, यहाँ पर हमारा एक्सप्लोजन जो है यहाँ पर, तो इसको सिंपली आगे जो भर चुका है इसलिए इसको कट करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आगे का कट कर दो और इसके बाद बुक मार्क पर क्लिक करो जो भी आपका बुक मार्क था, उसके बाद यहाँ पर आओ और यहाँ पे इसको कुछ ऐसा लगा दो क्योंकि यहाँ पे से ये ऊपर जाएगा, तो देखो अभी सुन के देखते बहुत ही ओपी लगेगा। सुनने से पहले आपको जो गन साउंड लगाने के बाद आपको ये जो साउंड है जो मेन साउंड है उसको कर देना है 80%, तो यहाँ पे एकदम ओपी सा मस्त यार एकदम मस्त वाला सुनने में दिख पड़ता है। और इसके बाद आप लोग को यहीं पे एक ग्रेनेड से ब्लास्ट होता हुआ एक गेम प्ले ऐड कर देना सिंपली, समझ रहे हो ना। अगर आप लोग ने ये चार वीडियो देखे तो आपको क्लिप ऐड करना आता ही होगा। तो देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अगर ये वीडियो बड़ी भी हो जाएगी ना तो भी प्लीज़ पूरा देखना अगर आपको सीखना है तो, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, जिसको सीखना है मैं उसके लिए ही बना रहा हूँ यार,
सीखना है तो भाई पूरी वीडियो देख के जाना, और इसके बाद आप लोग को सिंपली ये बुक मार्क पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे कोई सा भी एक साउंड लिख के आ जाना है। तो मैं यहाँ पे मेरे गन साउंड पैक पे जाता हूँ। आप लोगों को गन साउंड पैक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली एक वीडियो है, उस वीडियो में मैंने सिखाया है कि आप लोग गन साउंड कैसे डाउनलोड कर सकते हो मेरी लिंक से, तो आप लोग को समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे M10 की साउंड ला के देखता हूँ वो बैठता है कि नहीं बैठता है, कितना अच्छा लगता है, कि किसके साउंड अच्छी लगेगी वो ट्राई करेंगे। मैं सिंपली M10 का साउंड लाता हूँ और ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है वहाँ से सिंपली M10 का जो साउंड है वो स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले बीट पे क्लिक करना है और M10 के जो साउंड है उसको होल्ड करके रखना है और इसे ट्रैक करके इधर लाना है। और ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है ये आपको लाइन के साथ मैच कराना है, ऐसे मैच करा दे। फिर यहाँ पर सुन के देखते हैं, यहाँ पे फिर से हम लोग इसको जो M10 का साउंड था उस पर क्लिक करना है। फिर आपको करना है कि इसको डुप्लीकेट कर लेना है, यहाँ 3 डॉट ऊपर दिखता है उस पर क्लिक करके, फिर दूसरे बीट पे क्लिक कर देना है। फिर दूसरे बीट पे जाने के बाद इसको ड्रैग करना है और कुछ यहाँ पे ऐसे ला के रख देना है। फिर आप लोग को फिर से इसको डुप्लीकेट करना है, फिर जो तीसरा बीट है उस पर जाके इधर रख देना है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे सेट कर देता हूँ और यहाँ पर देखो मैंने कुछ ऐसे सेट कर दिया, और सुन के देखना है। तो यहाँ पे आप लोग ने देखा बहुत ही अच्छे से मैंने ये वाले गाने में जो सिंग करा दिया। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया, ये तो सिंपल बीट सिंग था, बहुत ही नॉर्मल था, साउंड का बीट आपको पता चल रहा था। अब चलते हैं फास्ट बीट सिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं नया प्रोसेस क्रिएट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर से इमेजेस पे जाके इमेज इम्पोर्ट करना है, ये काम तो आपको सेम ही करना है, क्योंकि ये काम तो सेम ही करना है, समझ रहे हो ना, ये काम सेम ही करना है आपको। और इसके बाद आप लोग को सिंपली ऑडियो पे जाना है, और ऑडियो पे जाने के बाद मैं फोल्डर्स नहीं सॉन्ग्स पे जाऊंगा, और यहाँ पे वाई से ही सॉन्ग का नाम स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ सॉन्ग फटाफट से। तो मैंने यहाँ पे इस बार लिया है 1-2-3 गाना। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं गाना किधर से हमको लेना है। तो सबसे पहले कहाँ से लेना, स्कैम 1990 तो आगे से स्टार्ट हो गया था, तो इसमें देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट होगा। तो आई थिंक जो फास्ट बीट है वो इधर तक आ रही है। मैं पहले अच्छे से डिसाइड कर लेता हूँ मुझे किधर से लेना है सॉन्ग सुन सुन के। तो गाइस मैंने सॉन्ग को जो है कट करके एडजस्ट कर लिया, और यहाँ पे तो देखो मोहिनी मोहिनी आ रहा है। तो उसमें आपको करना है कि सिंपली कोई भी कैरेक्टर हो उसको कुछ एनिमेशन करते हुए लगा देना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग गन साउंड यूज़ करोगे अच्छा नहीं लगेगा। सिंपली कैरेक्टर का स्लो मोशन, मतलब पहले हल्का सा स्पीड करना, वेलोसिटी टाइप कर देना। अगर वेलोसिटी की भी ट्यूटोरियल चाहिए तो बता देना, मैं सिखा दूँगा। और फिर यहाँ पर हम लोग चलते हैं, पहले तो हम लोग बीट्स फाइंड करते हैं कहाँ पे हमको लगाने। तो आई थिंक यहाँ पे मोहिनी मोहिनी ख़त्म होते हैं, मैंने सुन लिया भाई 4-5 बार सुना है तो वो आइडिया लग जाता है। तो ये जो बम 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 हम जो भी बोल रहे हैं ना, तो उसमें हम लोग जो है एक्सप्लोजन लगा सकते हैं जो ग्रेनेड का है। तो सिंपली यहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना है आपके माइंड में, एक्सप्लोजन लगाने में मुझे अगर बेकार लगता है तो मैं उसको हटा के वहाँ पे कुछ नहीं रखूँगा। ओके, सबसे पहले लगा के तो ट्राई करते हैं ना, टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। तो देखो एक यहाँ पे आ रहा है एक्सप्लोजन, मतलब डालना है, और यहाँ पे एक बीट जो ऊपर जा रही है, यहाँ पे एक ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे डालूँगा मैं सिंपली एक, और यहाँ पे जो ग्राफ ऊपर जा रहा है तो सिंपली ऑडियो पे जाऊँगा और जो लेके आ जाऊँगा फटाफट। तो कैसे लाने के बाद सिंपली इसको ड्रैग एंड होल्ड करना है जो कि अपने ट्रिक है। फिर इसके बाद आप लोग को इसको जो है यहाँ से ऐसे स्प्लिट आगे का स्प्लिट कर देना है। फिर इसके बाद ये जो मैच कराना है इसके साथ, और ये जो साउंड है इसको जो है 80% कर देना है, याद रखना बन जाए तो 80% करना है, वैसे अगर सुनने के लिए बढ़ा सकते हो बन जाए तो 80% कर देना। फिर नेक्स्ट बीट पे क्लिक कर देना, बुकमार्क जो भी लगाया था, फिर डुप्लीकेट कर देना और इसको जो है यहाँ पे ला देना। अगर आप लोग बीट सिंग की मेरी सारी वीडियोज़ देख के रखे हो तो आप लोग बीट सिंग बनाना भाई, महाराज बन जाओगे बीट सिंग बनाने के, किंग बन जाओगे यार। और यहाँ पे चलो हम लोग सुनते हैं कैसा लगता है। तो यार मतलब एक्सप्लोजन का साउंड आया ही नहीं, मतलब पीछे साउंड इतना ज़्यादा तेज़ था ना, एक्सप्लोजन आया ही नहीं है। तो मैं इसको कम करता हूँ और थोड़ा। तो आई थिंक पीछे का साउंड कम करने से कोई मतलब नहीं है, ग्रेनेड का जो साउंड है उसको ही हम लोग बढ़ा देंगे क्योंकि वही जो है कम लग रहा है। और ये जो साउंड है इसको 80% ही रखेंगे कुछ सब, क्योंकि पीछे का साउंड कम कर दोगे ना तो यहाँ पे सिर्फ नहीं बैठ रहा ना, और बाकी सब जगह तो चल रहा है ना, तो इसलिए। फिर यहाँ पे देखो इसको मैं फिर से सुनता हूँ,
तो यहाँ पे ये जो साउंड है मस्त लगता है भाई, मतलब 3 बार आपका इफेक्ट आएगा, मस्त लगेगा, एकदम खतरनाक वाला लगने वाला है। तो उसके बाद आप लोग को देखो यहाँ पे जो फटाफट बीट चालू हो गई स्पीड वाली, अब इसमें सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना, तो मैं सिखाऊंगा ना, मैं हूँ ना, पूरा वीडियो देखो सीख जाओगे। तो देखो इसमें जो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये वाला ग्राफ ऊपर जा रहा है, समझ जाओ ये बीट है। ओके, फिर आपको बुक मार्क टिक करना है, फिर इस पर टिक कर दो, ड्यूरेशन दिखता है ना उस पर क्लिक करो, हो जाएगा, और ये मैंने कर दिया। फिर इसके बाद आपको करना है कि इस पर बुक मार्क पर क्लिक करना है, और गन साउंड पैक तो मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और काइन मास्टर ऐप का लिंक आप लोग को कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, और हाउ टू ओपन माई लिंक्स वाली वीडियो देख लेना तो आपको आ जाएगा मेरा लिंक कैसे ओपन करते हैं। सबसे पहले तो मैं वीडियो का जो ये जो साउंड है इसका जो लेंथ कम करता हूँ। बीटसिंग मोन्टाज के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, साउंड। साउंड अच्छा होगा चाहे क्लिप शॉर्ट्स कितने भी बेकार हो, आपको खेलना ना आता हो तो भी बीटसिंग मोन्टाज साउंड सुनने में मज़ा आता है, वो सुनना, देखना, आपका क्लिप एडिट करना, एडिटिंग उसके मामले में होती है भाई, आपको ज़रूरी नहीं कि आप प्रो हो तभी चलेगा, आप अपना गेम प्ले भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ये इधर लगा दिया, फिर इसके बाद इसको डुप्लीकेट करो, फिर दूसरे बीट पे क्लिक करो, फिर इधर जाके ऐसे लगा दो, फिर ऐसे तीसरे बीट पे क्लिक करो, फिर से डुप्लीकेट करो, फिर ऐसे जाके इसको ऐसे लगा दो, फिर इसके बाद चौथे बीट पे क्लिक करो, फिर से डुप्लीकेट करो, और ये जो यहाँ पे जाके लगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तुरंत वीडियो को रोको, पीछे जाओ, वीडियो को स्लो करो, मेरे टचेस देखो किधर आ रहे, कैसे करना है देखो। इस ये जो 30 मिनट की वीडियो, कितने भी मिनट की वीडियो, इसको 1-2 घंटे लगा के देखो, समझ आएगा, कैसे नहीं आएगा समझ। इतने तो कॉपीराइट क्लेम ले रहा हूँ भाई, इतने गाने सुना रहा हूँ, कॉपीराइट क्लेम तो आएगा ना, अब ना आए तो वो अलग बात है, वो फिर मेरी गलती नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम तो आता ही है, नहीं आता है तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 ही साउंड ऐड किया और बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखो फिर से सुनाता हूँ। तो यहाँ पे जो साउंड है बीट के साथ एकदम मस्त वाला जो सुनाई दे रहा हम लोग को, एकदम मस्त लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने इतना, मैंने इसका भी सुना दिया, फास्ट वाले में आपको कैसे करना, ये जो बीट्स दिखते हैं इस पर मार्क करते रहना, और आपको सिंपली बीट्स जो सिंक है वो हो जाएगा। फिर हम चलते हैं ऐसा सॉन्ग जिसमें बीट्स होती है लेकिन ना के बराबर, या तो सुनाई नहीं देती है, तो फिर क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट इमेजेस, एंड आप लोग को ये 4 वीडियो यार जाके देख लेना जो मैंने 4 वीडियो बताई थी, तो आप लोग को यार अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर ऑडियो पे जाएंगे, सॉन्ग्स, फिर वाई पे जाऊंगा, और यहाँ पे कहाँ गया मेरा सॉन्ग, इस बार मैं लेने वाला हूँ बारिश की जाए, इसको लेते हैं, और ये मुझे यहाँ से नहीं लेना है, रुको मैं चेक करता हूँ। अगर उससे बातें करनी है तो ये यहाँ से है ही नहीं गाइस, यहाँ से है, तो मैं इसको कुछ यहाँ से ऐसे जाके ट्रिम टू लैपटॉप प्लेयर, फिर होल्ड एंड ट्रैक करके ऐसे लाता रहूँगा, बस ऐसे करते रहना, आगे ये आता ही रहेगा, ऐसे एकदम स्क्रीन के एकदम लास्ट में जहाँ पे मेरा टच है वैसे करके रखना, आगे आ जाएगा। फिर इसके बाद सुनते हैं इसको, मस्त लगता है भाई मेरे को ये सॉन्ग। ये सूरज से भी कह दो के अपनी तो यहीं से मुझे चाहिए था सॉन्ग। और इसके बाद आपको करना है क्या, सिंपली ये जो बीट देखो, सबसे पहले तो ये सूरज, तो ये अलग अलग वर्ड्स बोल रहे, तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट ऐड कर सकते हो, या तो कुछ ऐड कर और ऐड कर सकते हो, या तो वेलोसिटी ऐड कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हो, बस आपको एक बार ऐड करना है, और उसके बाद क्या करना है आपको पता है ना, सुनना है उसको, सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या है। तो मैं यहाँ पे फिर से सुनता हूँ, ये सूरज से भी कह दो, तो मैं यहाँ पे एक बीट मार्क करता हूँ, और यहाँ पे एक बीट मार्क करता हूँ, और यहाँ पे एक बीट मार्क करता हूँ, और इसके बाद इस पे जाऊँगा, और मैं डेजर्ट ईगल यूज़ करके देखता हूँ सबसे पहले तो, और मैं सॉन्ग्स पे जाता हूँ, और डी वाले सेक्शन पे जाता हूँ, डी 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 डेजर्ट ईगल मिल गया, नहीं मिला, मिल गया, ये रहा मेरा वाला। और इसके बाद मैं इसको ड्रैग करूँ, होल्ड एंड ड्रैग, याद रखना होल्ड एंड ड्रैग, फिर यहाँ पे आ गया, फिर इस पे क्लिक करूँगा, फिर डुप्लीकेट, फिर नेक्स्ट वाले बीट पे क्लिक करके फिर इसको यहाँ पे लाके ऐसे रख दूँगा, फिर से डुप्लीकेट, फिर नेक्स्ट वाले बीट पे क्लिक करके इसको यहाँ पे लाके ऐसे रख दूँगा, फिर यहाँ पे हम लोग सुन के देखते हैं।
सूरज से। तो यहाँ पे आप लोग स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट जो है यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्प्लिट स्क्रीन इफेक्ट मैंने सिखाया था कैसे यूज़ करते, तो वो वाला वीडियो ये रहा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छाप दूंगा, नहीं तो यहाँ पे आप लोग देख लेना, आई बटन पे दिख रहा है, जाके देख सकते हो। ये सूरज से भी कह दो के अपनी अभी यहाँ पे तो बीट है ही नहीं, क्या करोगे, स्लो मोशन दिखाओगे, क्या दिखाओगे, नहीं दिखा सकते ना, नहीं अच्छा लगेगा ना। तो मैं हूँ ना, मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे हम लोग लाइंस पे अब चलेंगे, बीट्स नहीं है तो क्या हुआ, लाइंस तो है ना, साउंड में लाइंस तो आ रही है ना, लाइंस पे चलते हैं। सुनो बस एक बार फिर से सुनो और मैं बताता हूँ कहाँ पे कैसे डालना। से भी कह दो। तो देखो इसने कह दो बोला और कह दो को इतना खींचा, मतलब इसने वहाँ पे अपना एक सेंटेंस जो है ख़त्म किया। तो वहाँ पे आप लोग एक शॉट डाल सकते हो, जहाँ पे कह दो पे हम लोग लगाएंगे, यहाँ से कह दो जो ये खींच रहा है, तो मैं यहाँ पे कह दो पे लगाऊंगा। ऐसे आपको साउंड जो है डिसाइड कर लेना है। और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फायर ग्रेनेड, ग्रेनेड यूज़ करते हैं, ग्रेनेड तो जी वाले पे चलते हैं, और ग्रेनेड फ्री फायर मिल गया। तो इसको यहाँ पे मैं ऐसे होल्ड एंड ड्रैग वाला ट्रिक पहले तो जाके कट कर देता हूँ, जहाँ से एक्सप्लोजन है उसके आगे से ट्रेम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, फिर ऐसे आगे आते। मेरा कह दो पे मैंने मार्क ही नहीं किया, तो कह दो पे चलते, यहाँ पे मार्क कर दिया, फिर बीट अभी मार्क की हमको दिख रही है, फिर इस पे दबाऊंगा, फिर इसको होल्ड एंड ड्रैग वाली ट्रिक से यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, फिर यहाँ पे देखो, और यहाँ पे सुनते हम लोग फिर से। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, बस साउंड थोड़ा सा इसका स्लो है तो इसको बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऊंचा जा रहा है कि अपनी फिर से स्टार्ट कर रहा है ना सेंटेंस। तो यहाँ पे हम लोग एक शॉट डाल सकते हैं, तो फिर यहाँ पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे आप लोग सॉन्ग्स पे जाओ और AWM ढूंढ लेते हैं इस बार, ए वाले सेक्शन पे AWM गन साउंड ये रहा। फिर यहाँ से इसको मैं ड्यूरेशन जो है कम करूँगा, फिर इसको ऐसे ला के इधर लगा दूँगा, और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा लगने वाला, सुनते। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको जो सेंटेंस ख़त्म हो चालू हो ऐसे करके देखते रहना। और यहाँ पे आज मैंने बहुत ही लंबा वीडियो को खींच लिया, और आई होप कि आपको आज के वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, अच्छे से समझ आया होगा। और ये जो सॉन्ग था मैंने इसको बहुत ही आगे तक बनाया था, तो आप लोग सुनाओ, मैं सुनाता हूँ, मज़ा आता है इसलिए सुनाता हूँ, शायद आप लोग को भी मज़ा आता हो क्या। अगर आप लोग को आज के वीडियो अच्छे लगा हो तो यार प्लीज़ कमेंट करना, और ये तो सुन के जाओ यार। अगर उससे बातें हैं करनी तो नजर झुका के करे, ओए सूरज से भी कह दो अपनी आग बुझा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेमेट का परफेक्ट नहीं होता, जल्दी जल्दी में कर दिया था। और तो आज की वीडियो में इतना ही, और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा है दबा दो, लाइक का बटन दबाने के बाद आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन लाल कलर का दिख रहा है उसको दबा दो, वो ग्रे हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको बेल वाला आइकन आएगा, और बेल वाले आइकन को दबाओ, दबाने के बाद ऑलवेज ज़रूर से सिलेक्ट करना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑलवेज ज़रूर से सिलेक्ट कर देना, और वीडियो लाइक कर देना। और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हो, और डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाके डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी फॉलो कर सकते हो। आज की वीडियो में इतने, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मैंने बता दिया क्या करना है भाई, मैं फिर से बोलने लग गया। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।